आइए दोस्तों, आज एक सफ़र की ओर चलते हैं। एक समारोह है, वहाँ पर हम शरीक हो रहे हैं। मोटरसाइकिल के माध्यम से चलेंगे। सफ़र थोड़ा सा लंबा है, करीब करीब 70 किलोमीटर के करीब है। हम सड़क के ऊपर मेरे मित्र खेती शंकर शर्मा के साथ टू व्हीलर पर जा रहे हैं। तो जैसा मैं चलते हुए आपको मेरे जैसलमेर के जो विकास कार्य हो रहे हैं वह भी दिखाता हुआ चलूँगा। तो इस प्रकार आज मेरा सफ़र करीब करीब काफ़ी दूरी का है, लेकिन जैसा मौसम भी है तो थोड़ा ठंड का असर भी है। और हम इस रामगढ़ रोड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से फिर आगे की तरफ एक मोटरसाइकिल के माध्यम से चलते हुए खियाँ और उस कबीर बस्ती, फिर उसके आगे की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, जैसलमेर बहुत तेज़ गति से डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। सबसे बड़ी बात, यहाँ बहुत बड़े भारतमाला के विकास कार्य चल रहे हैं। भारतमाला एक हमारे सीमावर्ती क्षेत्र को एक बहुत बड़ी सौगात है, जो शायद मुझे लगता है 2-4 वर्ष के बाद में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी, और जिसकी कल्पना हम भारत के 70 वर्षों से कर रहे थे वह अब हमें देखने को मिल रही है। यही उसके आपको नज़ारे हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े बाईपास बन रहे हैं, ऊपर से ब्रिज बन रहे हैं। और इस तरह से जब मैं सफ़र में निकला तो जो आज दृश्य है यह कल देखने को मिले ना मिले। तो मैंने सड़क पर जो डेवलपमेंट हो रहा था, डिवाइडर बन रहे थे, वह भी दिखाया। उसी के साथ पर्यावरण पर भी थोड़ा फोकस किया। तो मैंने जब वहाँ बीच में रुका, मैं मोकला के ओरन में, तो वहाँ पर मैंने आकाश में गिद्ध देखे, तो बहुत बड़ी तादाद में थे। तो पर्यावरण के लिए बहुत शुभ संकेत है दोस्तों। तो मैंने यह नज़ारा आपके लिए कैद किया है, और इसी के साथ मैं आप यह देखते हुए नमस्कार दोस्तों, मेरा सफ़र जारी है। मैंने इसके बीच में अभी यहाँ काफ़ी समय से गिद्ध नज़र नहीं आ रहे थे। आज जब मैंने इसकी तादाद देखी तो शायद बहुत ही अधिक नज़र आ रही है। सामने धूप भी है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है इन गिद्धों की जो तादाद है आकाश में उड़ते हुए की, वह मैंने दिखाने का प्रयास किया है। तो ये मेरा सफ़र है चलते हुए। बीच में यहाँ और भी पक्षी मुझे अभी नीचे देखने में नज़र आए हैं। तो अब यह पर्यावरण के लिए शायद कुछ शुभ संकेत है। तो इस प्रकार यह आप नज़ारा देख रहे होंगे। अभी सूर्य सामने है तो उस वजह से शायद हो सकता है कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा हो, फिर भी इसकी तादाद बहुत अधिक है, इस तरह मेरे को आभास हो रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार इनका झुंड बहुत अधिक है और तादाद बहुत है इसकी। आसमान के अंदर बड़े विचरण करते हुए दोस्तों यह गिद्धों की तादाद आज बड़ी सुकून देने वाली है। यह पर्यावरण के लिए इनकी भी बहुत अधिक आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज सुल्ताना की तरफ जा रहा था किसी एक वैवाहिक कार्यक्रम में। तो मैंने यहाँ एक सुजलोन है या एनार्कोन है, पता नहीं कौन सा है, ये जो विंड हवा से जो बिजली बनती है उसका एक पंखा जो जला हुआ है, उसकी बड़ी स्थिति बड़ी ख़राब है। तो मैंने देखा क्यों ना आपको इसका थोड़ा सा नज़दीक से दिखाया जाए। इस कंपनी के मालिक है उसकी है, तो इसे मुझे लगता है तत्काल प्रभाव से इनको ठीक करवा देना चाहिए, क्योंकि यह पता नहीं कब का जला हुआ है। मैंने इसका पूर्व में एक वीडियो भी डाला था। तो इस तरह से अभी तो यहाँ पंखे बंद भी पड़े हैं। और यहाँ एक सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ ओरन है। ओरन यानी कि किसी देवी देवताओं के नाम पर छोड़ी गई वह ज़मीन। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में बैर के पौधे लगे हुए हैं। यहाँ जो राजस्थानी बैर होते हैं छोटे छोटे उनके हैं कुछ, यहाँ बीच में खदान से मिट्टी भी निकाली जा रही है। तो इस तरह मैं जब सफ़र में निकल रहा था तो मैंने कुछ यहाँ नज़ारे देखे, तो मुझे यकायक लगा क्यों ना मैं आपको इसका दृश्य करवा दूँ। और अगर मैं मेरे मित्र को कहूँगा कि तो जूम करके अगर आपको बताए तो बहुत ही बड़ा भयानक हादसा हुआ ऐसा लगता है। तो इसी रोड पर हमारे पनरा जी का थान भी है, कबीर बस्ती
जो खादी ग्रामोद्योग की बहुत एक अच्छी पहल करने वाला एक ढाणी थी, जिसको बाद में ग्राम बनाया गया गोवर्धन जी कला के समय राजस्व ग्राम बनवाया गया, और यहाँ इधर खियाँ भी है और इस तरफ काफ़ी गांव है। तो यह पर्यावरण तरीके से और खनिज संपदा के मामले में यह क्षेत्र बहुत ही परिपूर्ण है और यहाँ कई संभावनाएं आज भी है। और दोस्तों आगे की तरफ नहर भी है, सीमावर्ती इलाका है। तो मैं आज जब यहाँ इस सड़क पर से घूम रहा था तो क्यों ना मैंने कहा यातायात आप। तो इस प्रकार मेरा दुपहिया वाहन पर सफ़र जारी रहा, मैंने पर्यावरण देखा, यहाँ की जो हमारी कंपनियाँ जो विंड एनर्जी की है वह देखी, और यहाँ इस क्षेत्र में काफ़ी खनन का कार्य भी चल रहा है वह भी मैंने देखा। यहाँ से बहुत बड़ा एक ट्रैक निकला है रेलवे का जो रामगढ़ की तरफ जा रहा है सोनू माइंस पर, उसका भी नज़ारा देखा। तो बहुत तेज़ गति से विकास हो रहा है और विकास के साथ साथ में नई संभावनाएँ हमारे को नज़र आ रही है। इस क्षेत्र में सिलिकॉन कहते हैं जिससे कांच बनता है, उसकी भी खदानें काम कर रही हैं। तो इस तरह मेरा सफ़र चलते हुए आपको हमारी जो भारतमाला योजना है वह भी दिखाई, उसका कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है। तो इस तरह मेरा सफ़र जारी रहा और फिर मैं चलते चलते पुनः जैसलमेर की ओर आ गया। तो दोस्तों मेरे सफ़र इस तरह से जारी रहेंगे और मैं आपको कुछ न कुछ दिखाता रहूँगा, और आप देखते रहिए, कमेंट कीजिए मुझे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको इस प्रकार मेरा सफर हो रहा है, कुछ न कुछ दिखाता रहूँगा, आप देखते रहिए, आनंद लीजिए। यह सड़क जो भी है यह भारतमाला के साथ बन रही है, तो बहुत अच्छी बन गई है। पहले बहुत छोटी रोड थी, अब बहुत बड़ी रोड बन गई है। इस तरह मेरा सफ़र जारी रहेगा, कुछ न कुछ दिखाता रहूँगा। तो मुझे दें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।